स्वागत है आज फिर एक नए ब्लॉग में। आज मैं छठ पूजा का ब्लॉग बना रही हूँ। आज है 28 अक्टूबर फ्राइडे और आज से छठ पूजा की तैयारी मतलब शुरू हो गई। आज नहा खा है, पहला दिन है, तो ये सेपरेट पूरा छठ पूजा का ही मतलब 4 दिन का जो छठ पूजा होता है 4 दिन का ये सेपरेट ब्लॉग होगा सिर्फ छठ पूजा का। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना। अभी हम लोग जा रहे हैं, आज मतलब पहला दिन है तो आज नहा खा के दिन ना चना का मतलब दाल और रोटी या चावल बनता है और लौकी का सब्जी बनता है, तो आज पहले दिन ये बनता है। तो आज हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या बन रहा है, तो ब्लॉग में बने रहिए। चारों दिन का मतलब ये ना एक ब्लॉग होगा, 4 दिन का जो छठ पूजा होता है चारों दिन का एक ब्लॉग बनेगा, तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए। आज पहला दिन है तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या होता है। तो हम लोग जा रहे हैं किचन में, मैं जा रही हूँ, दीदी बना रही है अभी दाल, ये है दाल बनेगा, ये लौकी का सब्जी बनेगा आज, दीदी सब्जी काट रही है, मैं भी जा रही हूँ हेल्प करने। ये रहा लौकी का सब्जी बन रहा है, इधर बन रहा है दाल, आज कुकर में दाल नहीं बनेगा, इसमें दाल बन रहा है। तो अब हो रहा है नहा खा का नियम, लौकी का सब्जी, रोटी और दाल। इधर माता जी और भाभी दो लोग करने वाली हैं छठ, तो आज से नियम स्टार्ट। आज है छठ पूजा का दूसरा दिन और आज खरना है, तो खरना का दीदी बना रही है सब कुछ, जो जो खीर और वो खीर और रोटी बनता है आज, तो वो दीदी बना रही है क्योंकि भूखी है दीदी। तो यहाँ पे मतलब आज यही करते, मतलब जो भूखे रहते हैं ना वही बनाते हैं, तो दीदी भी बना रही है खीर, इसके बाद बनेगा रोटी। रूम में अंधेरा है क्योंकि बहुत ज़्यादा कीड़े आ रहे हैं, इस वजह से हम लाइट वो कर दिए, बंद कर दिए हैं। चूल्हे पे बनता है आज, मिट्टी के चूल्हे पे। अब बन रहा है रोटी, दीदी रोटी आधा बना चुकी है और रोटी नीचे बनेगा, चूल्हा पे ज़्यादा नहीं बना सकती दीदी। बाहर ये लोग चिल्ला रहे हैं, बच्चा पार्टी। क्या बना रहे हो? कौन किसका है? अच्छा, ये गुड़िया का है, ये प्रिंस का है। जा, घर तो टूट गया, छत कहाँ है? तो जब पूरा खाना वगैरह यानी कि रोटी खीर वगैरह जब बन जाता है तो खरना का जो नियम है इस तरह से पूरा किया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी और भाभी दोनों लोग अभी बैठ के यहाँ पे जो भी नियम है वो करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और यहाँ पे भोजन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना, आज रात का दिन खरना का रात को जो साड़ी इन लोग पहनती हैं इसी साड़ी को पहला अर्घ का दिन शाम को पहन के जाना होता है। और आप लोग को ये लग रहा होगा कि हमारा पूजा रूम तो अलग सा था, यहाँ पे कैसा जगह पे पूजा कर रही हैं, तो एक्चुअली छठ पूजा में करने के लिए खरना वगैरह कोई पूजा रूम में ही करना ज़रूरी है। एक ऐसा रूम चाहिए होता है जिसमें नमक वगैरह का प्रयोग ना हो, जिसमें खाना पीना ना बनता हो, जो कि बिल्कुल फ्रेश हो, तो उस तरह का कोई भी रूम आप ले सकते हो। तो जैसे कि हमारे ऊपर सीढ़ी वाला रूम खाली था, उसमें थोड़ा सा मतलब लकड़ी वकड़ी भरा था, वो सारा चीज़ निकाल के हम लोगों ने रूम को वॉश करके साफ करके क्लीन कर दिया था, और इसी में सारा नियम पूरा होगा और इसी में जो प्रसाद वगैरह है वो भी कल बनने वाला है। चूल्हा पे ये रहा चूल्हा।
आज जो है पहला अरग है, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरा काम यह है कि सारा चीज को धो के रखना है और मम्मी इस दौर में सजाएंगे। तो मैंने ये सारा चीज मैंने वॉश कर दिया है, सारे अच्छे से धो दिया है यहाँ पे। सारा फल फ्रूट्स जो भी है, गाजर मूली सब्जी सब कुछ है इधर, फ्रूट्स वगैरह ये सारा। और इधर आपका खोसी के लिए दिया ढक्कन सब कुछ, इधर चना है, सब कुछ मैंने धो के तैयार कर दिया। अब मम्मी आएगी तो इस वाले छोटे वाले दौरे में सबको अच्छे से सजा लेंगे और इसके बाद चले जाएंगे हम लोग घाट पे। तो अब जो है ना मम्मी एक बार जब ये सजाएगी तो आपको एक बार दिखाएंगे, उसके बाद उसके साथ सीधे मिलेंगे घाट पे। लेकिन ब्लॉग आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो सब्सक्राइब करना, और फेसबुक पे देख रहे हो पेज को फॉलो जरूर करना, ठीक है। अब मैडम जो है मम्मी को हेल्प कर रही है यहाँ पे सारा सामान को दौरा में सरियारने के लिए। तो सारा अरग का सामान यहाँ पे तैयार होके हम लोग निकल जाएंगे घाट के लिए। घाट पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे शाम का टाइम होता है तो पहला अरग दिया जाता है। तो सूर्य भगवान को यहाँ पे अरग दिया जाएगा, मम्मी और भाभी दोनों लोग देंगी। उसके बाद यहाँ से हम लोग उठ के जब अरग देना हो जाएगा तो चले जाएंगे शिव सोहिता के पास। अरग देकर सभी लोग शिव सोहिता के पास आ चुके हैं और अभी सभी लोग यहाँ पे पूजा करेंगे, जैसे मम्मी और भाभी भी यहाँ पे पूजा में लग गई हैं। दोस्तों अब हम लोग जाएंगे घाट पे, रेडी हो गए हैं, सब कोई चले गए, हम ही लोग रह गए हैं। नहीं रह नहीं गए, मैं एक बार गया था वहाँ पे दौरा वौरा रखवा के, तब मैं आया अभी इनको लेने के लिए, भाभी भी है तो सब लोग तैयार। टाइम लग गया रेडी होने में थोड़ा। हाँ सब कोई तैयार हो गया, अब जाते हैं फटाफट उधर, उधर जाके उधर का पूरा शॉट दिखाएंगे आप लोग, है ना। तो मिलते हैं आपको वैसे वहाँ पे, बहुत लाउड मतलब साउंड बज रहा है तो वॉइस तो कुछ होगा नहीं, होगा वैसे ही दिखाएंगे। हाँ म्यूजिक के साथ वॉइस ओवर के साथ दिखाएंगे आप लोग, है ना। तो चलिए मिलते हैं घाट पे। सब सिद्धि योग है हे द्रौपदी, आज के ही दिन तुम इस व्रत को आरंभ कर दो। व्रत करो जिसे तुम्हारा पति पुत्र धन राज्य सभी प्राप्त हो जाएंगे। अब गांव में टीके करने से द्रौपदी ने उसी के लिए नहाना खाना पीना सब कुछ किए। लेकिन गांव में शाम को घाट पे से घर आने के बाद कोसी का नियम था, तो यहाँ पे कोसी भराया जा रहा है। कोसी भरने के बाद यह काम यहाँ से जब पूरा हो जाता है तो रात को 12 बजे के बाद इसको फिर से घाट पे ले जाके वहाँ पे कुछ पूजा पाठ करना होता है। फिर अगेन आके सुबह भोर भोर का टाइम में 3-4 बजे फिर से घाट पे जाना होता है। आज हो गया चौथा दिन और यहाँ पे सुबह का अरग दिया जाएगा। सुबह का टाइम पे घाट पे आ चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पे भाभी और मम्मी जो है अरग दे रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी लगा हुआ है, सभी लोग दूध ले लेके लोटा में खड़े हैं।
यहाँ पे एक और नियम था हमारे दोनों भतीजाओं का, विवान और दिव्यांश दोनों का बाल फर्स्ट टाइम कटेगा, मतलब कट रहा है और इसको छठ घाट पे चढ़ाना है। तो देख सकते हैं विवान का तो कट चुका है और ये दिव्यांश का है, और ये कटने के बाद बहन या फिर बुआ के आंचल में यहाँ पे इस तरह से लोका जाता है, उसके बाद इसको चढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पे गुड़िया को भी कुछ पैसे मिल रहे हैं। बच्चों के बाल को जस्ट नियम के लिए काटा जाता है, बाद में इसको सैलून में ले जाकर अच्छे से सेट कर दिया जाएगा। माँ से पूछो, सब नियम करते रहो और थोड़ा कट हो जाएगा, अब वो मिला लेंगे सैलून में। अब पूजा हो चुका है समाप्त और यहाँ पे व्रत खोलने का टाइम है। तो यहाँ पे बेसिकली गर्म पानी और गुड़ अदरक का इस्तेमाल करते हैं व्रत खोलने के लिए, चाय भी पीती है लोग। तो यहाँ से चाय वाय पी लेंगे मम्मी और भाभी लोग, उसके बाद घर चले जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।